वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्राफर। सो गाइस, अगर आपके पास 1 GB या फिर 2 GB रैम वाला कोई भी फ़ोन है एंड आप उसमें BGMI या फिर PUBG जैसा गेम को खेलने चाहते हो, लेकिन गाइस खेलने समय कुछ यहाँ पर लैग हो रहा है या फिर आपका फ़ोन जो है वो हैंग हो रहा है, ठीक तरह से खेल नहीं पा रहा है PUBG या फिर BGMI गेम को, तो गाइस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको इस दिन बताऊँगा कि अगर आपके पास 1 GB या फिर 2 GB रैम का कोई फ़ोन है सो आपको कौन सा सेटिंग फॉलो करना है या फिर क्या आपको ट्रिक्स लगाना है जिसके मदद से आप BGMI गेम को बहुत ही ईजिली स्मूथली खेल पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरा Moto G4 एंड गाइस इसमें 2 GB रैम है। तो सबसे पहले मैं आपको रैम दिखा देता हूँ। सो आपको मैं लेकर चलता हूँ सेटिंग्स में, उसके बाद मेमोरी में एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टोटल मेमोरी है वो 1.8 GB एंड आउट ऑफ 1.8 GB 1.1 GB ऑलरेडी मेमोरी यूज़ हो चुका है एंड फ्री है लगभग 700 MB के आसपास। सो गाइस, फर्स्ट टिप मैं आपको यही देना चाहूँगा कि अगर मल्टीटास्किंग में आपका दूसरा ऐप चल रहा है तो गाइस उसको आप बंद कर दीजिए। एंड गाइस, जो सेकंड ट्रिक है वो आपको स्टोरेज को लेकर है। सो आपको यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टोरेज में, यहाँ पर आप देख सकते इसमें, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज में, उसके बाद जितने भी कैचअ फाइल है उसको आपको डिलीट करना है, क्योंकि इस कैचअ फाइल क्या करता है कि आपका गेम को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, आपका जो पूरा ओवरऑल जो डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है उसको और थोड़ा स्लो डाउन कर देता है। तो वह सेकेंड टिप यही है कि आपका जो कैश डेटा है उसको आपको डिलीट करना है। एक बार कैश डेटा एंड यहाँ पर बैकग्राउंड या फिर मल्टीटास्किंग में जो भी विंडो है उसको डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर BGMI गेम को खोल लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने तुरंत टैप किया ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुल चुका है। सो गैस, ये है BGMI का इंटरफेस। सो गैस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफिक्स में अगर मैं टैप करता हूँ तो गैस बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पर दिखा रहा है स्मूथ एंड फ्रेम रेट यहाँ पर है लो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सेटिंग्स आपको दिखाएगा। लेकिन गाइज, अगर आप बेटर एक्सपीरियंस करना चाहते हो या फिर अगर आप गेम को और थोड़ा अच्छे से खेलना चाहते हो विदाउट एनी लैग या फिर स्मूथ खेलना चाहते हो, तो बस मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ग्राफिक्स का जो क्वालिटी है वो आप सुपर स्मूथ में रखें एंड यहाँ पर जो मीडियम या फिर लो नहीं, सिर्फ आपका जो फ्रेम रेट लो पे होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पे टैप कर देना है। याद रखें कि यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होगा वो स्मूथ एंड लो पे रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सुपर स्मूथ पे रखें ग्राफिक्स एंड फ्रेम रेट को लो पे रखें। सो चलिए, इसी सेटिंग को यहाँ पर रखते हुए एक गेम खेल लेते हैं आपके सामने, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कैसा यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर BGMI को खेल रहे हैं। तो चलिए आगे खेलते हैं, इसका स्मूथनेस या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आप खुद अपने सामने देख पाएंगे। सो यहाँ पर हमने जंप कर लिया है एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से यहाँ पर थोड़ा सा जो ग्राफिक्स का क्वालिटी है वो थोड़ा लो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक 2 GB रैम फ़ोन है। सो उसमें थोड़ा सा आपको ऐसा रहेगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं देख सकते, आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिखाई सब कुछ दे रहा है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अस्पष्ट है। एंड ये जो गाइस यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है एक तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेटवर्क को इशू लेकर है, ठीक है। सो चलिए, एक गन मिल चुकी है, मुझे भी मिल चुका है। सो फिलहाल के लिए मैं इतना कहूँगा कि मूवमेंट करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, यहाँ पर एक बंदा है तो उसको मार कर देख लेते हैं। यहाँ पर अब एक चीज़ देखना है कि जब भी मैं फायर कर रहा था तब पॉइंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, ये मुझे एक थोड़ा सा इशू लगा। हालांकि यहाँ पर मैं सुपर स्मूथ किया हूँ अपने ग्राफिक्स को, उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं फायर कर रहा था तब ठीक तरह से पॉइंट नहीं हो पा रहा था। सो अब थोड़ा यहाँ पर रन करके देख लेते हैं कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस रहता है। एंड गाइस, और एक टिप कि आपका फ़ोन में अगर कोई भी अपडेट देता है या वो चाहे वो यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट हो या फिर कोई दूसरा अपडेट हो, तो सबसे पहले फ़ोन को अपडेट कर लेना है, उसके बाद ये गेम खेलना है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दौड़ रहा था तो कोई मुझे मार दिया। सो ये गेम तो ख़त्म हो गया, और एक मैं आपको गेम खेल के दिखाता हूँ जिसके मदद से आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। सो चलिए, और एक गेम खेल लेते हैं, इसको मैं स्टार्ट पे टैप कर दिया। सो गाइस, जो पहला जो गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे रहा कि थोड़ा सा लैग हो रहा है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे थे कि जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फायर कर रहा था उस समय मेजर लैग मुझे देखने को मिला,
लेकिन हाँ मैं इतना ही कहूँगा कि अनप्लेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खेल सकते। सो गैस, जो पहला गेम था वो तो हमने यहाँ पर खेला था, ग्राफिक्स की क्वालिटी से मैं दिखा देता हूँ, वो हमने खेला था सुपर स्मूथ पे एंड लो पे। मैं इस बार टेस्ट करूँगा स्मूथ एंड मीडियम पे, उसके बाद देखते हैं कि इसमें आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। तो इसको मैं ओके पर टैप कर देता हूँ। सो अब हम खेल रहे हैं स्मूथ एंड मीडियम पे। ऊपर से जो ग्राफिक्स की क्वालिटी गैस बहुत ही लो है, थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। एंड गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ख़राब है यहाँ पर ग्राफिक्स है। एंड मैं आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पर ग्राफिक्स का क्वालिटी जो है वो मैं स्मूथ पे रखा है, एंड जो फ्रेम रेट है उसको मैंने मीडियम पे रखा है। सो गैस देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर जंप करने तक यहाँ पर जो ग्राफिक्स क्वालिटी था बहुत ही ख़राब था, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। एंड इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर जो लो ये जो क्वालिटी जो ग्राफिक्स क्वालिटी सुपर स्मूथ इसमें आपको करना है, ठीक है, तभी आपका गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आप देख लेते फायर करके। अब देख लेते फायर करके। सो ये तो बंदा मर चुका है, देखते इसके पास क्या है। फोरिक्स, ओके। सो गाइस, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जब मैं फायर कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि ग्राफिक्स का क्वालिटी हाँ ऐसा है कि थोड़ा सा लो है, लेकिन जब जो फ्रेम रेट है वो मुझे अच्छा लगा मीडियम पे, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ मीडियम पे। एंड अगर आप मेरा जो फर्स्ट गेम था अगर उसको आप यहाँ पर देखे होंगे तो गाइस उसमें लो किया था फ्रेम रेट, एंड उसमें थोड़ा सा लैग ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अभी मीडियम पर फ्रेम रेट किया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत जल्दी से मैं यहाँ पर मूवमेंट जो है वो यहाँ पर ठीक तरह से कर पा रहा हूँ। एंड ये थोड़ा सा मुझे अजीब टाइप लगा क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं फ्रेम रेट को लो पर रखूँ तो शायद यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडियम पे करने से गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो लो पे था उस समय थोड़ा सा मतलब, तो मैं जब भी फायर करने जा रहा था मुझे बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था, इसीलिए मुझे यहाँ पर मार भी दिया गया। लेकिन अभी मैं मीडियम पे खेल रहा हूँ तो गाइस ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर ठीक तरह से खेल पा रहा हूँ। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जब मैं रन एंड फायर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं लो किया था उस समय मैं कर नहीं पा रहा था। आई डोंट नो वाई बट दिस इज़ द रियलिटी। सो गाइस मैं आपको इतना ही कहूँगा कि जो ग्राफिक्स की क्वालिटी है वो आप यहाँ पर स्मूथ पे रखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर आप लो स्मूथ पे भी रख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर स्मूथ जिसका कहते हैं। लेकिन जो फ्रेम रेट है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मीडियम पर रखें, लेकिन लो पर रखने से यहाँ पर जो फ्रेम रेट है वो थोड़ा सा ड्रॉप ज़्यादा हो रहा था, आई डोंट नो वाई। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रेम रेट को मीडियम पर रखें। सो गैस आप एक बार ग्राफिक्स का क्वालिटी देख लीजिए, मैंने यहाँ पर स्मूथ पे ग्राफिक्स क्वालिटी रखा है। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कार पे अगर आप यहाँ पर जाओगे तो गैस यहाँ पर आपको कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। सो देखते हैं यहाँ पर। सो फार सो गुड, थोड़ा सा मूवमेंट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने लो पे रखा था फ्रेम रेट, पता नहीं क्यों कि मीडियम पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छे से खेल पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर लैग करता है, लेकिन मीडियम सेटिंग पे ऐसा नहीं हो रहा है। एक बंदा है, इसको देखते। चलिए गैस इतना ही था आपको कि यहाँ पर अगर आपके पास 2 GB या फिर 1 GB रैम वाला कोई भी फ़ोन है एंड आप उसमें BGMI या फिर PUBG ऐसा गेम को खेलने जाते हो, एंड अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा लैग का इशू है, सो गैस वीडियो को आप देखिए अच्छे से। मैं जितने भी यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जितने बताया, ठीक है, उसको आप फॉलो कीजिए। आई होप कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सो गैस होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। गैस वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं आपके लिए क्वालिटी एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।